हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है पिंक्सी पर। क्या आपको बैंक्स पसंद हैं? लेकिन इसके लिए तो आपको अपने बालों को आगे से कट करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं करना चाहते, या फिर आप एक ही हेयर स्टाइल वेयर करके बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो तरीके फेक बैंक्स पाने के। फोरहेड पे आते हुए बैंक्स काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और आपका लुक भी चेंज कर देते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लीजिए, सारे टेंगल्स को रिमूव कर लीजिए हेयर से। इसके बाद हमको अपने क्राउन एरिया के बालों को लेना है, फिर इनको दो तीन बार ट्विस्ट करना है, उसके बाद आगे की तरफ अपने बालों को मोड़ के ले आना है और पीछे की तरफ बालों में आपको रबर बैंड लगा लेनी है। एक छोटा सा बन बन जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में पीछे की तरफ। इसके बाद जो आगे की तरफ जो आपके बाल आए इनको अच्छे से सेट कर लीजिए। नीचे से बालों को लिया है इसलिए काफी छोटे बड़े हैं, तो इनको हल्का सा चाहो तो आप कैंची से कट कर सकते हो, जिससे कि बैंग्स अच्छे से दिखें, वरना कोई बाल आपकी फोरहेड पे आ जाएगा और कोई नाक पे। इसलिए थोड़ा सा कैंची से इनको कट कर लीजिए। बालों में अच्छे से कॉम कर लीजिए। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद इन बालों को सेट करिए। ऐसा करने से जो फ्लफी और थोड़े से ड्राई बाल दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे और जल्दी सेट भी हो जाएंगे। तो है ना कितना सिंपल बैंग्स पाना, एक नई हेयर स्टाइल बिना हेयर कट किए हुए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपको ज्यादा बैंक्स चाहिए तो ये वाली हेयर स्टाइल आपके लिए है। अपने सर के आधे बालों की एक पॉनीटेल बना लीजिए कुछ इस तरह से, हाई पॉनीटेल बना लीजिए। ये पीछे से कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपके जो नीचे की तरफ जो बाल बचे हैं एक पॉनीटेल उनकी भी बना लीजिए। इसके बाद आपको अपनी आगे वाली पोनी टेल के बीच में थोड़ी सी जगह बनानी है। इसके बाद पीछे वाली पोनी टेल आगे वाली पोनी टेल में से निकालते हुए आगे की तरफ ले आइए। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसानी से फेक बैंग्स पाने की ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।